नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का गणित पढ़ेंगे। तो गणित में दूसरा अध्याय वर्ग एवं वर्गमूल ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो वर्ग एवं वर्गमूल का भी प्रश्नावली 2.4 तक कर चुके हैं हम लोग। प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक पिछले वीडियो में हम लोग कर लिए हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो आइए शुरू करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सारा का सारा समझ में आ जाए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में से कम कितना जोड़ा जाए। इसके पहले वाले में था कितना घटाया जाए, अब यहां पर बोलता है कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। हम लोग जैसे पहले जनरली जो हम लोग भाग विधि से जो निकालते हैं हम लोग वो निकालेंगे। तो हम यहां पर कोई एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, हम सेकंड नंबर को करते हैं, सॉल्यूशन सेकंड। ये 1825 है, हम लोग इसको ये पेयर पहले बैठा लिए। अब इसको देखते हैं, चार का पहाड़ा पढ़ते हैं तो चरचू के चार का स्क्वायर करेंगे तो चरचू के 16, पांच क्या करेंगे तो 50 25 25 बेसी हो जाएगा ना, तो हम लोग चार बार लेके जाते हैं। तो यहां चार लिखते हैं, यहां चार लिखते हैं, यहां चार लिखते हैं, इसको ऐड करेंगे चतु के 16, यहां पे माइनस 2 225, ये 4 और 4 8। अब हम लोग देखते हैं कितना बार ले जा सकते हैं इसको। तो यदि पांच बार ले जाएंगे तो 5 8 40 बहुत बेसी हो जाएगा, तो हम लोग इसको तीन बार देखते हैं, 3 8 24 ये भी बेसी हो जाएगा, तो हम लोग इसको यहां पर 2 बार लिखते हैं, 2 2 4 और 2 8 16, इसको यहां माइनस कर लेंगे हम लोग और ये यहां पे जुड़ जाएगा 82 और 2 84, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 हो गया 6, ठीक है 61 हो गया हमारा यहां पर शेष। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, उल्टा लिख दिए थे, 42 का स्क्वायर ये छोटा है 1825 से, ठीक है 42 का स्क्वायर लेस देन 1825, तो 43 का स्क्वायर बराबर 43 × 43 हम लोग कर लेंगे, तो 3 3 9 3 4 12 4 3 12 2 4 16 1 17 9 4 8 1 1849, ये इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये 1849 आता है, ये है 1825, तो कितना जोड़ेंगे इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे, अभीष्ट संख्या जिसे जिसे 1825 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1849 माइनस हमारा था 1825, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो हम लोग 24 जोड़ेंगे, हम लोग इसको ऐसे हम लोग एक बार फिर से समझ ले। कहा कि कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, तो सबसे पहले हम लोग 1825 जो दिया हुआ था इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लिए, ये 42 आया, 61 आ गया शेष, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे 42, क्योंकि 42 का स्क्वायर छोटा है 1825 से, तो 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764, तो 1764 छोटा है 1825 से, तो ये किससे छोटा होना चाहिए 43 के स्क्वायर से, तो 43 का स्क्वायर 1849 होता है, तो 1849 में से 1825 को घटा देंगे हम लोग, तो ये जो संख्या आएगी ना इसी को हम लोग जोड़ देंगे 1825 में, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो एक तो आंसर हो गया मेरा ये। अब पूछा ये, इस प्रकार प्राप्त
संख्या वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो हमारा क्या आया था, हमारे पास जो संख्या आई थी 1849, तो हम लोग लिखेंगे 1849 का वर्गमूल बराबर ये कितना होगा 43। ठीक है, तो हम लोग इसको सबसे पहला है, इसका वर्गमूल निकाले, लिखेंगे 42। यहां जो आएगा इसके जस्ट अगला वाला नंबर ले लेंगे, 42 है यहां पर, तो 43 ले लिए। तो 43 का स्क्वायर निकाल लेंगे हम लोग, जो आया 1849, 1849 में से 1825 को घटा देंगे, इसी संख्या को हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसके बाद 1849 का वर्गमूल 43। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले हम लोग चार अंक की सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, तो लिखते हैं हम लोग चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर ₹9,999, इसलिए कि इससे एक बढ़ा देंगे तो वो पांच अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो ये लिख लिया हम लोग, अब हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे, 9,999 ऐसे लिखेंगे हम लोग, और ये पेयर बैठा देंगे, 9 बार लेके जाएंगे, 9×9=81, यहां घटा देंगे, यहां जोड़ देंगे, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, फिर ये 99। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 9 बार लेके जाते हैं, 9×9=81 ऐसे कर देंगे, 9×9=81 की 1×8, 9×8=72 की 0, ठीक है, 9×8=72 की 0, 9×8=17, 9 में से 1 गया 8, ये 9 और 8 में से 7 गया 1 और इधर हो जाएगा 0, ये हमारा निकल गया, ये आ गया शेष 9×9=18, 9×1। हम लोग को पता है, अभी हम लोग जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखे थे, उसमें था क्या कि कितना घटाएंगे कि वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो शेषफल को घटा दे रहे थे हम लोग। यहां भी यदि इसमें जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी ना, वो पांच अंकों की संख्या हो जाएगी, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इस संख्या को घटा देंगे। तो हम लोग लिखते हैं चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो ये 9,999 में से इसको घटा देंगे, तो हम लोग यहां लिखेंगे 9,999-198, जो मेरा जो शेष बचेगा ना वही संख्या घटाते हैं, तो ये हो गया हमारा 9 में से 8 गया 1 और ये 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और ये 9,801, यह संख्या जो है ये चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। पहले चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे हम लोग 9,999, इसका वर्गमूल निकालेंगे, जो इसका जो शेषफल आएगा उस शेष को इसमें से घटा देंगे, बस इतना ही काम करना है। छह अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग हो, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सबसे पहले जो छह अंक का जो सबसे छोटा संख्या होगा वो छह अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर एक दो तीन तीन छह हो गया ना, इसका हम लोग पहले निकालेंगे वर्गमूल। तो हम लोग इसको लिखते हैं, इसको जोड़ा बैठा लेते हैं, ऐसे कर लेंगे, तीन से किए, तीन तीन आई 9, तीन और तीन यहां जोड़ देंगे, ये 6 हो जाएगा, 10 में से इसको माइनस करेंगे 1, ये 00 उतार लेंगे हम लोग। अब इसको एक बार लेके जाएंगे,
इसलिए कि दो बार लेके जाइएगा ना, तो दो लिखिएगा तो दो छक 12 100 से बेसी हो जाएगा, तो एक से किए तो 61 हो गया, घटा देंगे 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3, और इसको जोड़ देते हैं ये हो गया 62। अब ये फिर डबल जीरो उतार लेंगे हम लोग, ये उतारेंगे, अब देखते हैं कितना बार जाएगा। यदि 6 बार ले जाएंगे तो शायद चला जाएगा, जहां 6 लिखते हैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 के 36 की 6 हासिल 3, 6 दिन 12 3 15 की 5 हासिल 1, 36 और 1 37। यदि इसको 7 बार ले जाते हैं ना तो देखिए 7×6 = 42 बेसी हो जाता। अब इसको माइनस करते हैं, 10 - 6 = 4, 9 में से 5 गया 4 और ये 8 में से 7 गया 1, ये मेरा शेष फल आ गया है, शेष आ गया। यहां बोला है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए, यदि इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना अंक का संख्या हो जाएगा, 5 अंक का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो मेरे पास 316 आया है, तो हम लोग लिखते हैं 316 का स्क्वायर, ये छोटा है किसे, ये वाला नंबर से, इसे छोटा है, तो अब जब भी होगा तो वो 317 का स्क्वायर से होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहां पे 317 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, हम लोग ये जब भी होगा तब इससे बड़ा होगा ना, तो 317 होगा होना चाहिए, 317 का स्क्वायर बराबर होता है 100489, 100489, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पूछा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाली जो पूर्ण वर्ग हो, तो ये संख्या जो है मेरा 317 का स्क्वायर, यही इसलिए कि ये छोटा हो गया, 316 का स्क्वायर जो है वो 6 अंक से छोटा है लेकिन ये पूर्ण वर्ग है, तो 316 के बाद वाला नंबर होगा तो 317 का स्क्वायर होगा, मतलब 100489, ठीक है, मतलब 1489 जो है ये हम लोग का 6 अंक का सबसे छोटा संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है, यदि क्षेत्रफल इतना 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम लोग यहां पर सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग इसको देखते हैं चौड़ाई की 6 गुनी है, तो हम लोग यहां पे पहले लिखते हैं माना चौड़ाई बराबर, माना आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर एक्स, ठीक है, एक्स सेंटीमीटर है, तो लंबाई कितना हो गया, तो आयत की लंबाई ये बोला है कितना गुना है, 6 गुना है, 6 एक्स सेंटीमीटर। यदि क्षेत्रफल इतना है तो हम लोग लिखते हैं आयत की आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर, ये आपको पता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ है कितना है, 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है एक सेंटीमीटर इंटू 6x सेंटीमीटर। तो अब हम लोग करते हैं यहां से x इंटू 6x, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू x इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर है 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो x स्क्वायर जब निकालेंगे हम लोग तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिखते हैं 6144/6 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यहां हम लोग सिर्फ लिखेंगे 6 × 6 = 12 × 6 = 24, तो x बराबर कितना हो गया 1024 ना, x बराबर अंडर रूट 1024, ये हो जाएगा 32। तो आयत की चौड़ाई कितनी हो गई 32 सेंटीमीटर, हम लोग इधर लिख देते हैं आयत की चौड़ाई बराबर 32 सेंटीमीटर और लंबाई बराबर 32 × 6,
छह दूनी बारह, छतरी अठारह एक उन्नीस, 192 सेंटीमीटर। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, 32 सेंटीमीटर और 192 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे चौड़ाई दिया हुआ था, चौड़ाई की छह गुनी, तो चौड़ाई को x मान लेंगे, लंबाई को 6x मानेंगे। इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू 6x, तो 6x स्क्वायर हो गया बराबर 6144 से दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर निकाले 1024, एक्स बराबर 32, तो चौड़ाई 32 और लंबाई हो गया 6 गुना है, तो 6 गुने 32 कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है किसी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कोण बी 90 डिग्री है, ये फिगर इस तरह से बनेगा, ए बी सी ये वाला है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, ये वाला नीचे वाला है, हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये आधार है और ये लंब है। तो पाइथागोरस का जो थ्योरम होता है उसके हिसाब से होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है। और यदि हमको यहां से आधार या लंब कोई निकालना हो तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहां पर हम बी को करते हैं सॉल्यूशन। तो बी में हम लोग देखते हैं कि एसी दिया हुआ है, मतलब कर्ण है, कर्ण एसी बराबर 13 सेंटीमीटर और बीसी है, तो हम ये माने हैं कि ये आधार है। तो आधार बीसी बराबर कितना मेरा है 5 सेंटीमीटर और एबी एबी बराबर वाट, ये मेरा ये यहां पे लंब है। ठीक है, लंब और आधार मेरा चेंज हो सकता है ना, लेकिन ये जस का तस रहेगा और फॉर्मूला भी सेम रहेगा। तो अब हम लोग यहां से जब लंब निकालना होगा तो क्या करेंगे, जो लंब होगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर। तो मेरा यहां पे कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो लिखते हैं 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर घटाओ आधार कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हम लोग ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, इसको घटा देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एबी बराबर, जब भी ये समकोण त्रिभुज होगा तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं और बाकी जो दो भुजा है उसमें से हम लोग उसको लंब और आधार ले सकते हैं। जो नीचे है उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो आधार है, ये हम लोग मान रहे हैं और ये लंब है। तो ये पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो कहता है कि कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे बैठा दिए हैं और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बन गया। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग को पढ़ना है इस बुक में, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक ही आज हम लोग करते हैं क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। तो यदि आपको अभी तक का चीज जो भी हम बताए हैं यदि समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।